आज हम जेई एडवांस लेवल के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, उनका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है, मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन है, आंसर एक या एक से अधिक हो सकते हैं इसमें। द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एल्कोहल इज फॉर्म्ड एज द प्रोडक्ट। पहला ऑप्शन है एसीटोन ऑन रिएक्शन विद PHMGPR फॉलोड बाय H3O+। दूसरा है एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद ETFGPR फॉलोड बाय H3O+। तीसरा है इथाइल फॉर्मेट ऑन रिएक्शन विद PHMGPR इन एक्सेस फॉलोड बाय H3O+। और लास्ट ऑप्शन है इथाइल एसीटेट ऑन रिएक्शन विद PHMGPR इन एक्सेस फॉलोड बाय H3O+। एक एक करके देखते हैं। ऑप्शन ए में एसीटोन, ऑप्शन ए में जब एसीटोन की रिएक्शन PHMGBR से होगी तो आपको पता है कि ग्रिगनार्ड के पास एक कार्बेनायन होता है और इस कार्बेनायन का अटैक होगा कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर, तो इस तरह से हमें मिलेगा CH3 PHO-, जहां MgBr+ आ जाएगा। ये एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो फिर ये एक टर्शरी एल्कोहल बनवाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारा एक आंसर है ए। दूसरे में उन्होंने एक एल्डिहाइड ले रखा है। अगर एल्डिहाइड की रिएक्शन हम ETMGBR से करें तो ये जो ग्रिगनार्ड है ये इथाइल माइनस निकालेगा और MgBr+। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी जिसमें यहां पर इथाइल आएगा और O- के साथ MgBr+ आएगा और इसकी हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये इस तरह से टूटेगा। आप देखें वाटर का H इस तरफ और OH इस तरफ, तो हमें क्या मिला? हमें मिला एक सेकेंडरी एल्कोहल। तो ये आंसर भी हमारा एक करेक्ट आंसर है क्योंकि इसमें भी एल्कोहल मिलता है। सी ऑप्शन है इथाइल फॉर्मेट। इथाइल फॉर्मेट पर PHMGBR के एक्सेस से रिएक्शन करवाई जाती है। तो पहला PH- जब इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो ये वाला बाहर हो जाएगा। दूसरा PH- फिर से इसी कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा तो O C डबल बॉन्ड O का C सिंगल बॉन्ड O- बन जाएगा। तो ETO- के निकलने के बाद हमें क्या मिलता है? हमें इस कार्बन पर दो फिनाइल और O- और MgBr+ मिलता है और इस इंटरमीडिएट कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस करने के बाद व्हाट वी गेट इज एन अल्कोहल। दिस विल बी ब्रोकन दिस वे एंड वी गेट अ सेकेंडरी अल्कोहल। इसका मतलब इस क्वेश्चन का एक आंसर ऑप्शन सी भी है। डी ऑप्शन है कि जब हम इसे इथाइल एसीटेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं, यही रिएजेंट है PHMGBR और वो भी एक्सेस में लिया है तो PH- जो कि कार्बेनायन है पहले कार्बोनाइल पर अटैक करता है, OET को बाहर निकालता है। दूसरी बार फिर से ये कार्बेनायन इस कार्बोनाइल पर अटैक करता है तो C डबल बॉन्ड O का C सिंगल बॉन्ड O बन जाता है और इस तरह से हमने देखा कि इस कार्बन पर दो फिनाइल ग्रुप अटैक करते हैं और ये MgBr+ बन जाता है। ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है जिसकी हाइड्रोलिसिस के बाद हमें एक टर्शरी एल्कोहल मिलता है।
तो क्वेश्चन ये था कि कौन कौन से रिएक्शंस में अल्कोहल एज प्रोडक्ट मिलते हैं। तो आंसर है ए बी सी और डी। पहले ऑप्शन में एसीटोन था, उसके ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करवाने पर अल्टीमेटली टर्शरी अल्कोहल मिलता है। दूसरे ऑप्शन में एल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड से कराते हैं तो इसमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है। फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर सभी एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं ग्रिग्नार्ड के साथ, और सारे कीटोन्स टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं। एस्टर्स में अगर हमने फॉर्मेट लिया है तो सेकेंडरी अल्कोहल मिलता है, और दूसरा कोई भी एस्टर लिया जाए तो टर्शरी अल्कोहल मिलता है। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए बी सी एंड डी। इसी जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के डिस्कशन में एक क्वेश्चन ये है कि ये कंपाउंड है, इसमें साइक्लोहेक्सेन रिंग पर कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है और बाहर वाली चेन पर एक एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है। पहले इसको I2NaOH के साथ हीट करते हैं, फिर एसिडिफाई करते हैं, फिर हीट करते हैं, तो एक कंपाउंड बनता है एक्स। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज दिस कंपाउंड एक्स। इसमें चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, जरा इसको देखते हैं। एक्चुअली I2NaOH आइडोफॉर्म टेस्ट का रिएजेंट है। अगर हम I2NaOH से इस एल्कोहल की रिएक्शन करवाएं तो क्योंकि इस कार्बन के पास एक ऑक्सीडाइजेबल H है, इसलिए ये कार्बन ऑक्सीडाइज होता है हाइड्रोजन निकालकर, और पहले स्टेप में ये बनता है इस तरह का एक कीटोन, और दूसरे स्टेप में फिर I2 और NaOH की सहायता से जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये तो आयडो फॉर्म बनाकर नीचे बैठ जाता है, एंड दिस इज येलो प्रेसिपिटेट, राइट। और जो दूसरा वाला कंपाउंड है, दूसरा वाला पार्ट है इस कंपाउंड का, ये जो है ये बन जाता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसको जब हम एसिडिफाई करते हैं तो ये COOH बन जाता है। नाउ इट इज अ बीटा कीटो एसिड, इट इज अ बीटा कीटो एसिड, और बीटा कीटो एसिड में आप जानते हैं कि केवल हीटिंग करने से भी CO2 निकल जाती है। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2 इट इज अ डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, यू विल गेट साइक्लोहेक्सेनोन एज द प्रोडक्ट। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए। जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस के डिस्कशन में एक ये क्वेश्चन है, एक कंपाउंड हमने लिया है साइक्लोहेक्साइल इथीन, इस कंपाउंड से हमें ये कंपाउंड ये एल्कोहल बनाना है जिसमें आउटर कार्बन पे OH लगाएंगे, इसका ये स्कीम ए होगी। इस कंपाउंड से हमें ये एल्कोहल बनाना है जिसमें इनर कार्बन पर डबल बॉन्ड के मोर क्राउडेड कार्बन पर OH लगाना है, दिस इज स्कीम बी। और इसी कंपाउंड को स्टार्ट करके किसी स्कीम सी से हमें OH ग्रुप जो है वो रिंग के ऊपर लगवाना है। नाउ आउट ऑफ थ्री स्कीम्स विच विल बी सुटेबल फॉर ए बी एंड सी, स्कीम वन इज एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस, स्कीम टू इज हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एंड स्कीम थ्री इज यू नो ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एसिड कैटलाइज हाइड्रोलिसिस पे लगवाते हैं। अगर हमने इस एल्कीन पर एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस करवाया, यानी कि H+ की प्रेजेंस में H2O की रिएक्शन करवाई, तो H+ इलेक्ट्रोफाइल है वो सबसे पहले आएगा, एंड मार्कोनिकोव्स रूल सेज दैट इलेक्ट्रोफाइल कम्स ऑन डबल बॉन्ड इन सच ए मैनर सो दैट इट कैन गिव राइज टू ए मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन। तो ये H+ आउटर कार्बन पर आएगा ताकि कार्बोकेटाइन यहां बन जाए, राइट। तो जब ये कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा तो ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए यहां एक रीअरेंजमेंट होगा हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है। 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद
ये कार्बोकेटायन आ जाएगा रिंग पर जो कि टर्शरी है और ज्यादा स्टेबल। अब इस कार्बोकेटायन पर फाइनली H2O का अटैक होगा। H2O अटैक्स एज होल एज ए न्यूक्लियोफाइल हियर, इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्कीन। यहां पे OH2+ आ जाएगा और इस ऑक्सोनियम आयन में से फाइनली H+ निकल कर जाएगा। तो H+ के निकल के जाने के बाद इस तरह का एक एल्कोहल बन जाएगा। इसका मतलब स्कीम सी जो है वो है, स्कीम सी इज एक्चुअली फर्स्ट। इसी तरह जब हम इसी कंपाउंड के ऊपर अगर हम HBO करवाएं, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो आपको तो पता है कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में एक रिएजेंट होता है B2S6 और NTHF। ये जो B2S6 है इसका रिएक्टिंग स्पीशी है BS3, और BS3 में क्योंकि बोरॉन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए बोरॉन इलेक्ट्रोफाइल की भूमिका में है और हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल की तरह से एक्ट कर रहा है। तो क्या होता है, एल्कीन हमेशा इलेक्ट्रोफाइलों को अट्रैक्ट करता है एंड इलेक्ट्रोफाइल्स प्रीफर टू कम एट लेस क्राउडेड कार्बन ऑफ अल्कीन। तो बी इधर आता है, तब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पर जो कि पॉजिटिवली चार्ज होने जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है, वो इस पर अटैक कर लेता है। तो इस तरह से एक सिन एडिशन होता है थ्रू अ फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट इन विच सम न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एंड सम ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रोकन। सो दिस रिएक्शन पासेस थ्रू अ फोर मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट एंड फाइनली व्हाट वी गेट इज दिस वन CH2 और BH2। अगर यहीं पर हम इसको H2O2 से रिएक्शन करवा दें, जो कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का दूसरा स्टेप है, अगर हम इस रिएक्शन को प्रॉपर टाइम देंगे तो ये और भी एल्कीनों को अपने साथ मिलाएगा। जब तक इस बोरॉन के पास हाइड्रोजन है तब तक और ज्यादा एल्कीन इसके साथ ऐड होते जाएंगे एंड फाइनली ऑन ऑक्सीडेशन विद H2O2 इन अल्कलाइन मीडियम यू गेट NOH ग्रुप एट लेस क्राउडेड कार्बन। इसका मतलब स्कीम ए जो है ना, स्कीम ए इज एक्चुअली सेकेंड वन। इसी तरह अगर हम OMDM करवाएं डबल बॉन्ड के ऊपर, OMDM का पहला रिएजेंट है HgOAC2, मर्क्यूरिक एसीटेट। इस मर्क्यूरिक एसीटेट से मर्क्यूरिनियम एसीटेट आयन आता है जो कि यहाँ पर एक साइक्लिक इंटरमीडिएट बनवाता है, और यही रीजन है कि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं हो पाता। और फिर H2O क्या करता है, ट्रेसेस ऑफ H2O क्या करता है, इस पर अटैक करके इस रिंग को ओपन कर देता है, और इस तरह से हमें मिलता है उस कार्बन पर OH जो ज्यादा क्राउडेड पोजीशन पर था। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में हम NaBH4 से रिडक्शन करके डीमर्क्यूरेशन करवा देते हैं। तो ये वो वाला प्रोडक्ट है जिसमें डबल बॉन्ड के मोर क्राउडेड कार्बन पर OH लगा है विदाउट रीअरेंजमेंट, और इस तरह से स्कीम बी इज बेसिकली थर्ड। तो हमारा आंसर है स्कीम ए 2, B3 और C1, 2, 3, 1, दैट मीन्स ऑप्शन सी।